हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जीपाल गुप्ता है दोस्तों, और आप देख रहे हैं गार्डनिंग सीखो। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वीडियो है ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, क्योंकि मेरे किसी व्यूवर्स ने मुझसे पूछा था काफ़ी दिन से। वो मेरे से बार बार यही प्रश्न कर रहे हैं कि हम ककड़ी को कैसे घर पर लगा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास एक ककड़ी है, आप इसको इस महीने में ईजिली लगा सकते हैं। मार्च के बाद मैं इसको लगा रहा हूँ, आप इसको फरवरी में या मार्च में इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं कि ये गर्मी का एक अच्छा सलाद में खाने की सब्जी है, ये एक आप इसको सब्जी कह सकते हैं। तो इसको हम देखेंगे, क्योंकि ये मेरे पास एक है, थोड़ी वेस्ट है ये, तो हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसको ग्रो करना कोई मुश्किल नहीं है घर के अंदर। तो आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप इसको कैसे उगा सकते हैं। और इसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपको 40-45 दिन में ही ये लग जाती है, काफ़ी जल्दी ग्रो करती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ये इसके सीड हैं, उन सीड को आप निकाल लीजिएगा। आप देख सकते हैं ये इजीली बाहर आ जाता है। पकड़िए और ऐसे, या किसी की नाइफ से भी इसको इजीली निकाल सकते हैं। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये इसके सीड हैं जो मेरे हाथों पे लग गए हैं, यही सीड से ये ग्रो होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसके सीड्स हैं। अगर आप थोड़ा मोटे वाला जो ककड़ी होता है अगर वो लेंगे, तो उसके अंदर आपको थोड़ा मोटा बीज मिल जाएगा। अगर आप थोड़ा हेल्थी बीज चाहते हैं, तो एक पकी हुई जो मोटी वाली होती है वो आप ककड़ी मार्केट से ले सकते हैं। और इसको लगाने के लिए मेरे पास ये है, एक वेस्ट था मेरे पास, ये कुकीज़ का बिस्किट्स इसमें मैं लेकर आया था। इसको मैं जो डाली हुई है, ये रेत है, बालू रेत। ये जो हम सीड है आप देख सकते हैं बहुत बारीक है, तो इसको जर्मिनेट करने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि मिट्टी थोड़ी सी हार्ड रहती है। तो या तो आप इसके इसको अगर आप ग्रो करना चाहते हैं, या तो आप इसको कोको पेड़ में लगाएं,
या फिर बालू रेत में ही लगाएं। और इसके बीज आप जितना बारीक है तो आपको इसके ऊपर जो तय लगानी है बालू रेत की, जो मेरे पास एक्स्ट्रा है, ये रेत जो हम सीमेंट में मिला के घरों में यूज़ करते हैं, ये वो वाली रेत है, थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हल्की सी एक परत लगा देंगे, क्योंकि ज़्यादा नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बीज बहुत ही बारीक है, तो ये फिर जर्मिनेट करने में थोड़ी प्रॉब्लम करेगा, इसलिए हमें इसको ज़्यादा नीचे गहराई में नहीं दबाना है। आप चाहें तो आप इसको बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसे ही छोटे छोटे पीसीस में रख दीजिए। आप देख सकते हैं कितने बारीक किस्म के बीज हैं। और फ्रेंड्स, ये जैसे हमारी तोरी की बेल होती है उस टाइप से इसकी बेल लगती है, और ये एक जो बेल होती है, एक बेल पे हमें ये 15 से 20 ककड़ी आपको 1.5-2 महीने में दे देगी। और सबसे बढ़िया बात ये है कि आप अपने घर में लगाएंगे इसको, तो आपको इसको खाने का स्वाद आप खुद ही देखेंगे जब ये ग्रो करेंगे। क्योंकि मैं बाजार की सब्जियां ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता हूँ, आजकल तो पता नहीं क्या क्या केमिकल्स स्प्रे किए होते हैं। इसको सभी जगह फैला रहा हूँ जिससे कि हमारे एक दो सीड्स जो भी हैं नहीं लगते तो कोई बात नहीं, बाकी तो इसमें कवर हो ही जाएंगे। आप देखेंगे ये हफ्ते के अंदर अपना शुरू कर देंगे बाहर निकलना प्लांट्स इसमें से, तब उसका वीडियो मैं आपके साथ दोबारा से फिर से शेयर जरूर करूँगा। तो अब आपने क्या करना है, ये रेत लेंगे, बालू रेत। अब हम ये बालू रेत लेंगे और इसके ऊपर हम इसको छिड़क देंगे। आपने इसके ध्यान रखना है कि ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगानी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि ये बहुत ही बारीक बीज है, अगर आप ज़्यादा मोटा लगा देंगे इसके ऊपर तय जो लेयर है तो वो ये ग्रो करने में प्रॉब्लम करेगा। और एक बात और इसमें ध्यान देने वाली बात है कि आपको अगर पत्थर ना हो तो ज़्यादा बढ़िया है, आप इसको छान लें, क्योंकि अगर कोई पत्थर सीड के ऊपर आ गया तो वो सीड भी हमारा जर्मिनेट नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी से बाहर आने के लिए उसकी पावर इतनी नहीं होती कि वो पत्थर वगैरह को साइड में कर दें। इसीलिए हमें बिना पत्थर से वाली रेत का ही इस्तेमाल करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, हो गया, मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा हो गई है, भी लगा देता हूँ सही लोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपने देख लिया हमने ज़्यादा मोटी लेयर नहीं लगाई है, अब मैं पानी से इसके ऊपर हल्का हल्का छिड़काव कर दूँगा। आप यहाँ पर
किसी स्प्रे का भी यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे बॉटल का। आई मीन मेरे पास भी स्प्रे बॉटल का भी लेबल नहीं है। और फ्रेंड्स इसके अंदर एक बात ध्यान देने वाली और बात है कि आपने इसको यहाँ ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पर इसको सुबह सुबह की धूप ही थोड़ी सी लगे, उसके बाद ना लगे। जिससे कि ये अच्छे से जर्मिनेट हो जाएगा। तो पानी हमने दे दिया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि हम ककड़ी को घर के अंदर कैसे लगा सकते हैं। इसमें कोई भी ज़्यादा चक्करबाजी नहीं है। आप देख सकते हैं मैंने सिंपली उसको ककड़ी को लिया और उसमें से बीज निकाल कर इसमें ग्रो कर दिया है। वैसे तो इसको सुखाकर ही ग्रो करना चाहिए, मगर मैं इसको यहाँ पे सुखा नहीं रहा हूँ। जैसे हम टमाटर के बीज यूज़ करते हैं वैसे ही हम इसके बीज यहाँ पर यूज़ करते हैं, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा वीडियो भी पसंद आया हो तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि जो भी मैं नया नया वीडियो डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप उसे देख कर तुरंत सीख पाएँ कि हम अपने घर में गार्डनिंग किस टाइप से और क्या क्या चीज़ें इजीली लगा सकते हैं। तो एंजॉय कीजिए, मेरे नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय दोस्तों।